दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है मेरा राशन। ठीक है, मेरा राशन। ठीक है, मेरा राशन आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये जो ऑफिशियल इसका ऐप है वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। मेरे में पहले से डाउनलोड है इसलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन कर लिया और आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, स्क्रॉल कीजिएगा तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, रजिस्ट्रेशन का, इनरोलमेंट का, नियर बाई राशन शॉप का। ठीक है, तो इसमें आपको क्लिक करना है इस पे, ये जो आप देख रहे हैं आधार सेंडिंग, आधार सेंडिंग पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाएंगे, राशन कार्ड और आधार कार्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आधार कार्ड पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अपना आधार नंबर यानी आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनमें किसी का भी आप अपना यहाँ आधार नंबर टाइप कीजिएगा। चलिए हम आपको टाइप करके बताते हैं, यहाँ आप अपना आधार नंबर टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, टाइप कीजिए, टाइप करके सबमिट कीजिएगा। सबमिट कीजिएगा तो देखिए आपका जितने भी फैमिली में मेंबर हैं, देखिए इसमें चार मेंबर हैं तो चार का नाम दिखा रहा है और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो है कौन सा राशन कार्ड है, PHH है कि जो जो भी कैटेगरी का है वो दिखाएगा, आपका राशन कार्ड नंबर इसमें शो कर देगा। ठीक है, और FPS ID भी आपको दिखा देगा। ठीक है, और इसमें आपका स्टेट दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके मेंबर में जो आपका राशन कार्ड है उसमें कितने आदमी का नाम जो है रजिस्टर्ड है। तो इस तरह आप अपना राशन कार्ड चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इसमें आपको बहुत सारे सुविधा मिलता है इस ऐप के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रिंट आउट कराकर कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, सभी जगह मान्य है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।